बिस्मिल्लाहि रहमानि रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के वॉल्यूम एंड सरफेस इंटीग्रेशन चैप्टर से है। द पार्ट ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax कट ऑफ बाय द लेटेस्ट रेक्टम रिवॉल्व अबाउट द टेंजेंट एट द वर्टेक्स। फाइंड द कट सरफेस ऑफ द रील दस जनरेटेड। तो एक पैराबोला हमको दिया है जिसका इक्वेशन है द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, और ये कर्व जो है वह एक पैराबोला है जिसका इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, और हमें कर्व सरफेस फाइंड करना है तो हमें ज़रूरत होगी डी वाई और डी एक्स की भी ज़रूरत होगी, तो इसको भी फाइंड कर लेते हैं। तो उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा 2y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4a। कॉन्स्टेंट है बाहर ले लें, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। इस तरीके से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4a/2y, इसे कैंसिल कर सकते हैं, 4 को 2 से 2 आ जाएगा। इस तरीके से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू जो होगी वो 2a/y होगी। अगर हमें ज़रूरत होगी डी एक्स ओवर डी वाई की तो इसे पलट देंगे, वाई अपान 2a लिख देंगे अगर ज़रूरत होगी तो। फिलहाल अभी हम इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। अब इस कर्व को अगर हम प्लॉट करें, देखें क्या हमसे पूछा गया है, सरफेस एरिया पूछा गया है। जैसे कि ये एक पैराबोला हमको दे रखा है जो कि सिमेट्रिकल होगा अबाउट एक्स एक्सिस के, क्योंकि वाई में इवन पावर है, 2y² है, जहाँ पर भी वाई है तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, और ये वेल नोन होता है, हम इसका डायग्राम अच्छी तरीके से मालूम है। इसका वर्टेक्स 0,0 होता है, और वर्टेक्स पर टेंजेंट जो होती है वो वाई एक्सिस होती है, और हमें इसी के बारे में बात की जा रही है कि रिवॉल्व अबाउट द टेंजेंट एट द वर्टेक्स। वर्टेक्स यानी ओरिजिन पर जो टेंजेंट है वाई एक्सिस के अबाउट इसको रिवॉल्व किया जा रहा है, यानी इस कर्व को जब हम रिवॉल्व करेंगे, इस तरीके से रिवॉल्व करेंगे तो ये चारों तरफ इसके घूमेगा, वाई एक्सिस के अराउंड टू घूमेगा, और इसको इस तरीके का एक कर्व मिलेगा। और इसमें अगर हम मान लेते हैं कि इसका जो फोकस है इस पैराबोला का, इसका फोकस को अगर एस से डिनोट करें तो इसके कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। हम लोग यहाँ तो ये पैराबोला है इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इसके फोकस के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। और ये अगर a है तो x की वैल्यू a जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो 2a मिलेगी, यानी ये डिस्टेंस जो होती है वो 2a के इक्वल होती है, यानी इस पॉइंट के से l से डिनोट करते हैं इसके कोऑर्डिनेट जो होते हो जाते हैं 1/2a, क्योंकि x की वैल्यू a है और y की वैल्यू 2a। यानी इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये लेटेस्ट रिएक्टम होता है, ll डैश होता है। इस के लिए a की वैल्यू, x की वैल्यू तो a ही रहेगी, लेकिन अगर हम डिस्टेंस को ऊपर देख रहे हैं तो प्लस की होती है 2a, अगर नीचे देखेंगे एक्सिस के तो माइनस का 2a हो जाएगी, ये एल डैश इसकी कोऑर्डिनेट हो जाएगी। ये हमारा लेटेस्ट रिएक्टम है, यानी ये परपेंडिकुलर होता है इस पैराबोला के एक्सिस पर, और इसके फोकस से जाने वाली जो लाइन होती है, रिकॉर्ड होती है, उसको लेटेस्ट रिएक्टम बोलते हैं। इसी को जब रिवॉल्व किया जाता है तो ये जो स्ट्रक्चर बनता हुआ नज़र आ रहा है हमको, तो इसी का हमको वॉल्यूम निकालना है। इसको हम दोबारा भी बना देंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ये ठीक से नहीं बन पाया है, तो इसको दोबारा बना देते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये पैराबोला वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax है, और इसके एक फोकस होगा एस, इसके कोऑर्डिनेट 1,0 होंगे, और इस पर जाने वाला जो कोण, परपेंडिकुलर कोण, वो हो जाएगा लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा एल एल डैश। अगर x की वैल्यू हम a पुट करेंगे, क्योंकि ये ओरिजिन है, ये हमारा y एक्सिस है, तो इस इक्वेशन y² = 4ax में जब हम x यहाँ पर a रखेंगे तो y की वैल्यू
मिलेगी, प्लस का 2a यानी ये माइनस के 2a, तो प्लस तो l के लिए हो जाएगी, माइनस की वैल्यू जो होगी इस l डैश के लिए होगी, यानी कोऑर्डिनेट जब लिखेंगे तो a कामा 2a हो जाएगा और इस l डैश का कोऑर्डिनेट a कामा माइनस का 2a हो जाएगा। इनको जब रिवॉल्व कराया जाएगा y एक्सिस पर, यानी y एक्सिस यानी ये टेंजेंट एट द वर्टेक्स, क्योंकि यहाँ पर ओरिजिन जो वर्टेक्स है, तो ये कर्व इससे चारों तरफ घूमेगा जब, तो एक जो सिमेट्रिकल है ध्यान रहे, तो जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर ये यहाँ बना लें इस तरीके से, चारों तरफ होगा ये, तो एक इस हमें रील मिलेगी, ये इस रील का ये जो रील मिलेगी इसको रिवॉल्व कराने पर, तो इस रील का हमको सरफेस एरिया जो स्ट्रक्चर मिलेगी उस रील का हमको सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। यूजली हम जब y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करते हैं तो इसके लिए फार्मूला इस फार्मूले का यूज़ करते हैं सरफेस एरिया के लिए, यानी इंटीग्रेशन 2 पाई एक्स डी एस, और ये लिमिट जो होती है y की वैल्यू, जैसे यहाँ पर y की वैल्यू जो होगी लोअर लिमिट और अपर लिमिट, जैसे यहाँ पर c और ये स्पाइन पर d, क्योंकि इन्हीं दो लाइंस के बीच में ये कर्व है तो ये लिमिट हो जाती है। और फिर हम चूँकि वाई की फार्मूला लिख रहे हैं तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, वाई इजिकल टू सी टू वाई इजिकल टू डी टू पाई एक्स, और इसको हम डी वाई से डिवाइड इनटू कर देंगे और इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, यानी डी एस ओवर डी वाई की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे और वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लेंगे, अगर हमारे लिए वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना यहाँ पर आसान हो। लेकिन देखेंगे कि हमारे लिए y के लिए इंटीग्रेशन करना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि इसको इस वैल्यू को फाइंड करें, क्योंकि इस वैल्यू ये वैल्यू डी एस ओवर डी वाई की जो वैल्यू होती है वो स्क्वायर रूट 1 प्लस डी एक्स ओवर डी वाई का होल अब स्क्वायर होती है। इस वैल्यू को आप यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं जो कि वाई अपान 2a है, और इसका जब स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर यहाँ पर पुट करेंगे, और फिर इस तरीके से x की वैल्यू को फाइंड करना होगा इक्वेशन नंबर 1 से, जो कि y स्क्वायर अपान 4a आएगी, तो इसको इंटीग्रेट करना हमारे लिए यहाँ पर मुश्किल होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट ना करते हुए x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी इस फार्मूले को इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी हम लिखेंगे 2 पाई एक्स डी एस ओवर डी एक्स कर देंगे और एक्स के रिस्पेक्ट में से इंटीग्रेट कर देंगे, और लिमिट भी फिर एक्स की आएगी, यानी करस्पॉन्डिंग, यानी वाई इजिकल टू जब सी होगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, या वाई इजिकल टू डी होगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये तो फार्मूला है, तो माना कि ए और वी होगी, वाई इजिकल टू सी के करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू ए है और वाई इजिकल टू डी के करस्पॉन्डिंग वाई एक्स की वैल्यू डी है, तो सरफेस एरिया का फार्मूला हम लोग ये यूज़ करेंगे। अपने इस प्रॉब्लम को हमने देखा कि इस कैलकुलेशन का अगर हम करते हैं तो काफ़ी टफ जाता है, लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट में आसानी से हम लोग इस फार्मूले का यूज़ करते हुए आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, जहाँ पर आपको मालूम ही है कि डी एस ओवर डी एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर के इक्वल होती है, तो इस फार्मूले का हम लोग यूज़ कर डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर इस वैल्यू को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो एक चीज़ और है कि ये कर्व चूँकि सिमेट्रिकल है, जैसा एक्सिस के ऊपर है यहाँ पर ये जो भी सरफेस हमको मिलेगा वैसे ही एक्सिस के नीचे है, तो इसलिए हम ऊपर वाला एरिया फाइंड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पर मिल जाएगा, तो इसी का हम यूज़ करते हैं द रिक्वायर्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू, तो 2 टाइम्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और यहाँ पर एक्सिस के ऊपर का जो सरफेस का एरिया यानी चारों तरफ जो एरिया होगा उस एरिया को हम फाइंड करेंगे, तो उसमें देखना होगा कि लिमिट वाई की वैल्यू, तो यहाँ पर वैसे तो यहाँ से शुरुआत है और यहाँ पर कहते हैं वो ज़ीरो से लेके वाई की वैल्यू 2a तक है, लेकिन x की वैल्यू को देखें यही इसी इन्हीं पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, यानी 0 के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 0 है और 2a के करस्पॉन्डिंग a है, यानी इसकी जो लिमिट होगी वो 0 टू a हो जाएगी,
तो ज़ीरो एक्स की वैल्यू यानी ज़ीरो टू टू ए हो जाएगी। और फार्मूला हमने बोला था कि हम इस वाले फार्मूले का यूज़ करेंगे यानी टू पाई एक्स और यहाँ पर डी एस ओवर डी एक्स और ये डी एस इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। और डी एस ओवर डी एक्स की वैल्यू ऊपर हमने यहाँ पर लिख रखी है, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। ये टू टाइम्स लिमिट एक्स इक्वल टू ज़ीरो टू टू ए, टू पाई कांस्टेंट है। अगले स्टेप में हम बाहर ले लेंगे इसको इंटीग्रेशन के साइन से। फिलहाल अभी हम इसकी वैल्यू रख देते हैं वन प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल हाफ स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये टू पाई कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लेंगे। तो सरफेस एरिया जिसको हम अगर कैपिटल एस से डिनोट करें तो टू इंटू टू पाई बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन का साइन लिमिट एक्स बराबर ज़ीरो से लेकर टू ए तक है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ए तक है, एक्स की वैल्यू तो ए तक, जैसे कि अभी आपने देखा भी था। ये अगर हम बाई की वैल्यू लिमिट लेते, बाई की लिमिट लेते तो ज़ीरो से लेके टू ए तक होता, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि वाई की अगर लेते तो ज़ीरो से टू ए तक होता है। लेकिन हम चूँकि डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई की इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग लोअर लिमिट एक्स की ज़ीरो होगी, अपर लिमिट जो होगी वो ये होगी। हमने बता भी दिया था लेकिन हमने टू ए लिख दिया था गलती से, जो कि हमने सुधार कर दिया है। यानी लिमिट ज़ीरो से ए तक ही रहेगी क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करें, टू ए बाहर हो गया तो एक्स बचेगा यहाँ पर। और इंटीग्रेट करेंगे वन प्लस डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर टू से टू ए अपान वाई यहाँ पर पुट कर देंगे, टू ए अपान वाई। लेकिन इसका करना हमें होल ऑफ स्क्वायर करना है, तो इसका होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे डी एक्स। अगले स्टेप में इसका होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे तो टू का स्क्वायर फोर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये बन जाएगा फोर फोर पाई एस इजिकल टू एस इजिकल टू फोर फोर पाई और लिमिट एक्स इक्वल टू ज़ीरो टू ए एक्स स्क्वायर रूट वन प्लस, जैसे कि हमने पहले बोला था टू का स्क्वायर फोर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख देंगे। एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, इक्वेशन नंबर वन से वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हम रख देंगे यहाँ पर पुट कर देंगे, क्योंकि हमें एक्स की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो सारे यहाँ पर फैक्टर्स जो हैं वो एक्स की फार्म ही होने चाहिए, सारे टर्म एक्स की फार्म ही होने चाहिए। एक्स स्क्वायर रूट वन प्लस, तभी हम इंटीग्रेशन कर सकेंगे। फोर ए स्क्वायर अपान इक्वेशन नंबर वन से हम वाई स्क्वायर की जगह पर फोर ए एक्स यहाँ पर लिख सकते हैं। वाई स्क्वायर की वैल्यू फोर ए एक्स के बराबर है तो यहाँ पर रख देंगे फोर ए एक्स रख देंगे। और डी एक्स हमने यहाँ पर यूज़ किया है इक्वेशन नंबर वन का, यूजिंग इक्वेशन वन लिखना चाहते हो आप लिख सकते हैं। फोर ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, एक पावर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर यहाँ पर बचेगी। तो एस की वैल्यू मैंने चल रही जो हमें फाइंड करना था, लिमिट एक्स बराबर, चूँकि अब एक्स भी बचा हुआ है तो यहाँ पर एक्स लिखना आप ज़रूरी नहीं, ज़ीरो से ए लिख दें क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक्स ही बचा हुआ है। एक्स और स्क्वायर रूट पहले जितना बचा हुआ लिख देते हैं, यहाँ पर ए बचा हुआ है अपान में ये है एक्स के बराबर है, यानी ए अपान एक्स ही है सिर्फ। और डी एक्स वन अपन वन करते हुए इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये फोर पाई स्क्वायर रूट ज़ीरो टू ए एक्स स्क्वायर रूट, यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया यानी ये एक्स यहाँ पर लिख दिया है और इसका इधर इंटू हो जाएगा, वन का इधर इंटू हो जाएगा यानी एक्स प्लस ए आ जाएगा और ये डी एक्स के बराबर। अब हम इस स्क्वायर रूट के बाहर जो एक्स है इसको स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे। आपको मालूम है कि ये स्क्वायर रूट है तो अंदर जाने पर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, लिमिट ज़ीरो टू ए इसको अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। और बाकी जो चीज़ें हैं यानी एक्स प्लस ए है अपान में एक्स है वो लिखा रहने देंगे और से एक्स की एक पावर कैंसिल हो जाएगी और हमें इंटीग्रेट करना है इसको। तो एक्स का अंदर एक पावर जो बची हुई है उसका इस ब्रैकेट में इंटू करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमें मिल जाएगा एक्स का, इसमें एक्स स्क्वायर मिल गया, ए में इंटू करेंगे ए एक्स आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करना है। ये क्वाड्रेटिक होता है तो हम इसको होल ऑफ स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, होल ऑफ स्क्वायर बना लेते हैं ज़ीरो टू ए, होल ऑफ स्क्वायर बाहर आ जाएगा ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको फार्मूले का यूज़ करते हुए इसे सॉल्व करते हैं। तो होल ऑफ स्क्वायर के लिए हम उमर खयाम का जो मेथड है उसका यूज़ करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए यानी सारे टर्म लिखने के बाद फिर हम एक्स का जो कोफिशेंट है वो देखते हैं जो कि ए है, उसका हाफ एक्स कोफिशेंट का एक्स का जो कोफिशेंट है उसका हाफ करते हैं यानी ए बाई टू। एक्स का कोफिशेंट देखेंगे उसका हाफ करेंगे और उसके स्क्वायर को
ऐड करेंगे, ऐड किया है तो आपको सब्सट्रैक्ट भी करना होगा। तो जितना ऐड किया उतना सब्सट्रैक्ट किया, लेकिन शुरू के ये तीनों टर्म मिल के होल ऑफ स्क्वायर बना देंगे एक्स प्लस ए अपन टू का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स का स्क्वायर है, ये ए बाई टू का स्क्वायर है, और बीच वाला जो होता है वो हो जाएगा इन दोनों का इंटू का ट्वाइस। ये उमर खयाम का मैथड है। ये डी एक्स को ऐसे लिख देंगे और फोर पाई लिमिट ज़ीरो टू ए, शुरू के ये तीनों टर्म बना देंगे मिलके होल ऑफ स्क्वायर, ये एक्स प्लस ए अपान टू का होल ऑफ स्क्वायर बना देंगे माइनस का ये ए अपान टू का होल ऑफ स्क्वायर इंटू डी एक्स कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि एक्स ये एक वेरिएबल है और इसमें साथ कांस्टेंट जोड़ रहा है, तो आप इसको एक ही वेरिएबल मान सकते हैं और ये कांस्टेंट का स्क्वायर है। तो इसमें इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, जो हम यहाँ पर पहले फार्मूले को लिख देते हैं, उसके बाद जो है इसको यहाँ पर अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फार्म में है, जिसकी वैल्यू होती है वन बाई टू एक्स स्क्वायर रूट, ये ब्रैकेट जो भी है वो लिख देंगे, और माइनस वन बाई टू ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो ये वैल्यू जो थी वो आपको मालूम है कैपिटल एस के बराबर चल रही थी, उसके बाद फोर ए है, ये सारी वैल्यू हम लिख देते हैं, एस बराबर फोर पाई है सॉरी। और अब इंटीग्रेशन इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे बाद में। तो एक्स की जगह पर हमने नज़र आ रहा है इतना, और ए की जगह पर यहाँ पर ए की जगह पर जो है वो ए बाई टू है, एक्स की यहाँ पर ये, इसे एक्स की तरह ट्रीट करेंगे, इसे ए की तरह और फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो उस फार्मूले में होता है सबसे पहले वन बाई टू, वो लिखते हैं, फिर एक्स, एक्स का मतलब यहाँ पर है एक्स प्लस ए अपन टू, फिर पूरा ये जो भी ब्रेकेट था इसको लिखेंगे, क्योंकि ये ब्रेकेट इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो इसको लिखना हमारा सही है, क्योंकि दिस वैल्यू इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू, सो वी कैन राइट दिस वैल्यू इन इन प्लेस ऑफ दिस वैल्यू। सो आई राइट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स लिख दिया हमने, इतना तो ये हो गया। फिर माइनस का वन बाई टू होगा, ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर क्या होता है आपको मालूम है, एक्स स्क्वायर के बाद माइनस के बाद ये भी पूरी वैल्यू जो है वो ए स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है माइनस के बाद, ये हमारा ए स्क्वायर होगा, पूरी वैल्यू जो भी है ए अपान टू का होल ऑफ स्क्वायर, यानी जो भी है ए अपान टू का होल ऑफ स्क्वायर लिखने फार्मूले के अकॉर्डिंग, यानी पूरी पूरी वैल्यू, यानी ए का स्क्वायर लिख दिया, एक ए बाई, यानी हमारा ए बाई टू का स्क्वायर। फिर उसके बाद है होता है लॉग, तो मल्टीप्लाई में है, ये हमारे पास जगह कम है, चलिए लॉग ऑफ एक्स, पहले तो यहाँ पर एक्स, एक्स का मतलब यहाँ पर हमारा ये वाला ब्रेकेट है, यानी एक्स प्लस ए अपान टू, उसके बाद नेक्स्ट टर्म है प्लस है, वो हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, और फिर स्क्वायर रूट है ये, और ये वैल्यू, और ये वैल्यू सेम होती है जो कि हमने इसके बराबर लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स के बराबर, और यहाँ पर कर्ली ब्रेकेट अपना यानी लॉग वाली वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, फिर स्क्वायर ब्रेकेट वाला भी ये क्लोज हो जाएगा। लेकिन अभी हमें लिमिट जो थी एक्स की लिमिट थी, लोअर लिमिट यहाँ पर ज़ीरो, अपर लिमिट ए, वो लिखना होगी, यानी एक्स की वैल्यू ये लोअर लिमिट ज़ीरो, अपर लिमिट है एक्स की ए के बराबर, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, अब हमारी ये प्रॉब्लम जो होगी वो सॉल्व हो जाएगी। तो इसमें पूरे इसमें जहाँ पर भी हमको नज़र आएगा एक्स, वहाँ पर पहले ए पुट कर देंगे, फिर ज़ीरो पुट कर देंगे। तो अब हम अपर लिमिट पहले लिख रहे हैं फोर पाई वन बाई टू, जहाँ पर भी ए नज़र आएगा वहाँ पर एक्स नज़र आएगा, वहाँ पर ए हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, आई पुटिंग द वैल्यू ऑफ अपर लिमिट एक्स इक्वल टू ए, तो ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए माइनस वन बाई टू, हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बाई फोर लिख सकते हैं, और लॉग ऑफ एक्स की जगह पर यहाँ पर ए रख दें ए बाई टू, क्योंकि अपर लिमिट ए है, फिर प्लस का साइन है, फिर स्क्वायर रूट ये लिखना होगा, जहाँ पर भी एक्स मिलेगा वहाँ पर हम ए पुट कर रहे हैं, ये तो अपर लिमिट की बात हमारी हो गई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में पूरी वैल्यू में एक्स की वैल्यू में ज़ीरो के बराबर पुट करना है, जहाँ पर मिलेगा एक्स वहाँ ज़ीरो रख देंगे।
तो आपकी थोड़ा सा डायरेक्ट कर देंगे, जगह की बचत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर x बराबर जीरो करेंगे, सिर्फ यही बचेगा a बाई टू, तो यहाँ पर a बाई टू लिख दिया। लेकिन देखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू आएगी, x बराबर जीरो रखने पर दोनों टर्म जीरो हैं, जीरो में जीरो ऐड होगा जीरो हो जाएगा और जीरो का स्क्वायर रूट भी जीरो होता है, लेकिन हम जीरो भी लिख रहे हैं इसको रूट में, माइनस का वन बाई टू और ये ए स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा यहाँ पर। और x बराबर जीरो रखने पर सिर्फ यही बचेगा, यानी बच रहा है लॉग ऑफ, फिलहाल अभी कर्ली ब्रेकेट हमें अप्लाई करना होगा, a बाई टू और फिर ये वाला टर्म तो ये होगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा, प्लस का जीरो कर दें, ब्रेकेट क्लोज कर दें, ये हमारी लोअर लिमिट हो गई, ये ऊपर वाली जो है वो अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा फोर पाई वन बाई टू, ये वैल्यू एलसीएम ले लेंगे, वन टू का इधर इंटू हो जाएगा, टू ए और ए थ्री ए हो जाएगा, थ्री ए अपान में टू हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। और स्क्वायर रूट के अंदर देखिए ए स्क्वायर ये और ए स्क्वायर ये, तो टू टाइम्स ए स्क्वायर हो गया, माइनस ये ए स्क्वायर अपान टू फोर जा एट हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई हो जाएगा एट, और फिर लॉग ऑफ ऐसे ही यहाँ पर ऐड कर लेंगे, एक में आधा जोड़ेंगे तो डेढ़ होता है, यानी थ्री बाई टू हो जाता है, ये हो गया। इसी तरीके से प्लस का स्क्वायर रूट, ये वैल्यू ए स्क्वायर और ये भी ए स्क्वायर, तो टू टाइम्स हो जाएगा ए स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दें, ये तो अपर लिमिट की बात होगी। फिर माइनस के बाद में हम लोअर लिमिट फोर पाई और ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई, ये ज़ीरो हो जाएगा और ज़ीरो से मल्टीप्लाई होने के ये टर्म तो ज़ीरो हो गया, फिर माइनस का ये ए स्क्वायर अपान एट हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई एट हो गया, फिर लॉग ऑफ ये ए बाई टू बचा हुआ है बस, और ब्रैकेट क्लोज कर दें। ये फोर पाई को हम टोटल से बाहर भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन और कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर कितना आएगा सॉल्व होने के बाद। तो ये वैल्यू फोर पाई थ्री ए अपान में फोर हो जाएगा और स्क्वायर रूट से ए बाहर हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर रूट में टू बचेंगे, माइनस का साइन है वो अप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर बाई एट और लॉग ऑफ इसमें थ्री अपॉन टू ए प्लस का स्क्वायर रूट से ए बाहर हो जाएगा, तो ए रूट टू बचेगा यहाँ पर। और फिर लास्ट में है हमारा, उसको लिख देते हैं माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस भी हो रहे हैं, प्लस का हो जाएगा ये फोर पाई और ए स्क्वायर बाई एट और लॉग ऑफ ए अपॉन टू। तो ये तो हमारा अपर लिमिट था, इसको ब्रैकेट में यहाँ पर क्लोज किया और देख रहे हैं कि ये फोर यहाँ से फोर पाई को हम टोटल से इन दोनों टर्म्स में, एक ये टर्म है दूसरा ये टर्म है, इसमें से फोर पाई को बाहर भी ले सकते हैं। तो फोर पाई को अगर हमने बाहर ले लिया तो ये तो पूरा ये ब्रैकेट के अंदर है वो बचेगा, थोड़ा सॉल्व करते हुए भी चल रहे हैं हम, यहाँ पर थ्री ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा रूट टू अपान में फोर, फिर माइनस का ये वाला टर्म, इसे तो लगभग हमने सॉल्व ही कर लिया है, यानी ए स्क्वायर बाई एट लॉग ऑफ थ्री अपान टू ए प्लस ए रूट टू, फिर ये वाला टर्म चूँकि हमने सॉल्व किया है और इसकी जो वैल्यू है वो बचेगी, अगर हमने यहाँ पर बाहर ले लिया है फोर पाई तो बचेगा ए प्लस का ए स्क्वायर बाई एट लॉग ए अपान टू, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करने, इन दोनों टर्म में ए स्क्वायर बाई एट को हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन है ये बाहर ले सकते हैं, फोर पाई और अपान में से चलिए हम बाद में बाहर ले लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए अपने कैलकुलेशन जहाँ तक आप करना चाहें, थ्री ए स्क्वायर रूट टू अपान फोर माइनस इन दोनों टर्म में से हम ए स्क्वायर बाई एट को बाहर ले लेते हैं, तो हमारे पास जो बचेगा वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं लॉग ऑफ थ्री अपान टू ए प्लस का ए रूट टू, और फिर प्लस चूँकि माइनस साइन कॉमन लिया तो ये प्लस वाला साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये लॉग ऑफ ये माइनस का है लॉग ए बाई टू, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, इस ये दोनों लॉग हैं माइनस का साइन है, तो आपको मालूम है कि लॉग जब होता है बीच में माइनस साइन है तो इन दोनों का हो जाता है, इसमें इसका डिवाइड कर एक बार लॉग लिखेंगे और ये डिवाइड हो जाएगा,
नियम इसमें फार्मूला जो अप्लाई करने वाले हैं log m, ये log m माइनस log n होता है तो इसकी वैल्यू log m बाई n हो जाती है। इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। ये वैल्यू जो हम फाइंड कर रहे हैं वो सरफेस एरिया ऑफ रील फाइंड कर रहे हैं। s इज इक्वल टू 4 pi, तो यहाँ पर कांस्टेंट है, ब्रेक बाहर लिखा हुआ है, और 3 ए स्क्वायर रूट 2 अपान 4 है, और माइनस ए स्क्वायर बाई 8, और लॉग को अब एक बार लिखना है। न्यूमरेटर में जो प्लस है वो तो न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो माइनस है वो डिनोमिनेटर में। ये था वैल्यू 3/2a और प्लस का a रूट 2, ये तो आ गया न्यूमरेटर में, ये प्लस था, जो माइनस में था वो डिनोमिनेटर में आ गया। कुछ हम इसमें भी कल इसे सॉल्व कर सकते हैं, और इस 4 को अगर अंदर हम ले जाएं तो पाई बाहर रह जाएगा, 4 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, ऐसा हमने इसलिए किया तो ये 4 इससे कैंसिल भी हो जाएगा, और इसका इंटू करेंगे माइनस का 4 का ए स्क्वायर बाई 8 में, और लॉग ऑफ ऊपर हम न्यूमरेटर में से एक को बाहर ले लेंगे, तो एक को अगर हम बाहर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3/2 प्लस का रूट 2 बचेगा। अपान में तो ये इसे a इंटू 1/2 भी कर सकते हैं, इसे कैंसिल भी हो जाएगा, और ये डबल अपान में 2 होगा तो इसका ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी पाई। कैंसिल होने के बाद हमारे पास ये बचा है 3 टाइम्स ए स्क्वायर रूट 2 माइनस 4 कैंसिल कर देगी एक को 2/2 टाइम्स, तो ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ, कैलकुलेशन है वो आप मर्जी से अपना कैसे भी कर सकते हैं, तो 2 का अंदर ऊपर इंटू हुआ तो ये 3/2 प्लस का स्क्वायर रूट 2 हो गया। ए स्क्वायर भी कॉमन है बाहर ले लेंगे तो पाई ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 3√2 माइनस का ए स्क्वायर बाहर होने पर 1/2 बचा हुआ है, लॉग ऑफ इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3+2√2 हो जाएगा, और ये बहुत हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, इसको होल ऑफ स्क्वायर की फार्म में लिखा जा सकता है। वैसे तो आप कहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं, कोई प्रूव करना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं जो हम आगे करने वाले हैं, यानी हम लिख सकते हैं इस 3 को, इस 3 को लिखा जा सकता है 2+1 लिख सकते हैं, और प्लस ऐसा करने पर हमें इससे लिखा जा सकता है √2 × 1, यानी इसको √2 का होल ऑफ स्क्वायर कर सकते हैं, इसको 1 का स्क्वायर, दोनों का इंटू का ट्वाइस है, ऐसा करने पर हम इसको होल ऑफ स्क्वायर करके दिखा सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab जब होता है तो हम इसे ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर करके दिखा सकते हैं। ये वैल्यू चल रही है एस के बराबर, तो पाई ए स्क्वायर 3√2 माइनस 1/2 लॉग एक बार लिखें, और यहाँ पर हम दिखा सकते हैं इसे √2+1 का होल ऑफ स्क्वायर है, और इसमें लॉग में पावर जो है आगे मल्टीप्लाई कर जाती है। आप जिस हद तक चाहें इसे सॉल्व करें, जब आपने अपर लिमिट माइनस टू लोअर लिमिट अप्लाई कर दिया वहीं पर अपना आंसर आ चुका है, फिर आप अपनी मर्जी से जहाँ तक चाहें इसको छोड़ सकते हैं। 2 को उधर आके लिख देंगे तो लॉग ऑफ √2+1 आ जाएगा, 2 से 2 इसे कैंसिल कर सकते हैं, अब इससे ज़्यादा तो सॉल्व हम नहीं कर पाएंगे। एस इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी 3√2 माइनस लॉग ऑफ √2+1। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।